الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सामिन कराम अजीज साथियों, गुज़श्ता सबक हमने पढ़ा था कि मक्का की तरफ हिजरत करने की इजाज़त। इस सबक में हमने कुरान मुकद्दस की दुआएत करीमा पढ़ी थी। इस सबक का मकसद था कि अब महबूब वतन को अपने घरबार को छोड़ने की बारी थी, क्योंकि मक्कातुल मुकर्रमा में मुशरिकीन मक्का ने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबी रसूल की ज़िंदगियाँ इस कदर तंग कर दी कि उन्हें अब सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा। और हमने कुछ मदीना की तरफ हिजरत के कुछ वाक़ियात भी पढ़े थे। आज का जो सबक है 106वां सबक, हिजरत के रास्ते में परेशानी और रुकावटें। बहरहाल हिजरत तो कर रहे थे मुसलमान, लेकिन इसमें किस कदर मुश्किलातों का सामना मुसलमानों को करना पड़ा और किस कदर रुकावटें मुशरिकीन मक्का ने इनके रास्ते में डाली, रोड़े अटकाते रहे, ये हम आज के सबक में पढ़ेंगे। मुख्तसर फरमाते हैं सीरत निगार कि कमज़ोर की क्या ताकत, या तो रोएगा या भागेगा। लेकिन वहाँ कमज़ोर के ये बुनियादी दो हकूक भी मुशरिकीन मक्का ने छीन लिए। इन कमज़ोरों को मक्का के ताकतवर लोगों ने न तो भागने दे रहे थे और न रोने दे रहे थे, दोनों चीज़ों की इजाज़त नहीं थी। हज़रत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैयत उकबा में, जो हमने वाक़या पढ़ा था कि 75 अफराद की बैयत जो हुई थी बैयत सानी से, कुछ दिन बाद ही इजाज़त दे दी थी सबको कि जिस जिसको मौका मिलेगा वो मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ रवा होता जाए, तरफ हिजरत कर जाए। लेकिन हिजरत भी कोई आसान काम नहीं था। मक्का के मुशरिक सरदार इसको अपने लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज समझते थे कि एक तो हमसे भागकर अपने मजहब पर कायम रहकर हमसे दूर जाकर हमारे सफारती हमारे तिजारती ताल्लुकात खराब करके दूसरी जगह जा रहे हैं। इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इन्हें जैसे ही मालूम हुआ कि मुसलमान हिजरत कर रहे हैं, इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और मुख्तलिफ रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी, मुख्तलिफ रास्तों पर पहरेदार खड़े कर दिए कि मुसलमानों को हिजरत करने से रोकना है। हम यहां बतौर मिसाल सिर्फ 3 सहाबाए किराम के किस्से लिखेंगे, जिससे अंदाजा हो जाएगा कि हिजरत करना कितना मुश्किल है। सीरत निगार ने सिर्फ 3 सहाबा के वाकियात को नकल किया है ताकि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर मुश्किलात का सामना करने के बाद मुसलमानों ने मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना की तरफ हिजरत की होगी। हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल हैं, जिन्होंने पहले हबशा की तरफ हिजरत की, जो हमने बहुत पहले कम से कम 60 या 70 के दरमियान में सबक हमने पढ़ा था कि हबशा में एक अफवाह चली थी कि मक्का में सब मुशरिकीन ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो वहाँ जो हिजरत करके मुसलमान गए थे वो फौरन वापस आए थे, ये झूठी खबर सुन के, ये हमने पढ़ा था। ये उन हिजरत करने वालों में से अबू सलमा भी थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फिर वो गलत खबर मिलने के बाद वापस मक्का आ गए थे और इनके अहलिया मोहतरमा हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हुमा, जो हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह की वफात के बाद अजवाज मुतहरात में शामिल हुए, यानी कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका फिर उसके बाद निकाह हो गया था, वो खुद बयान फरमाती है। उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा खुद बयान फरमाती हैं कि हमने हिजरत का इरादा किया, ऊँट तैयार किए, ऊँट पर अपना सामान रख लिया, खाने पीने का राशन वगैरह हमने जब रख लिया तो मेरा एक बेटा था। हजरत सलमा रदी अल्लाह तआला ऊंट पर बैठ भी गए, इतने में मेरे मायके वालों की खबर होगी, मायके वालों को खबर होगी कि इनने हिजरत करनी शुरू कर दी। वो फौरन उन्होंने हमें घेर लिया, ऊंट से सामान नीचे उतार लिया। अबू सलमा रदी अल्लाह तआला उनसे कहने लगे, तुझे जहां जाना है तू चला जा, लेकिन हमारी बेटी को यहीं छोड़ के चला जा। मैं उस माइल की स्वयं पूर्ण तरह नीति सुखी पान कर सुखी दरबदर परेशान नहीं होने देंगे, ऐसा सा जमोनो पैनी कोड़ी दरबदर परेशान कर सकते, हम अपनी बच्ची को दरबदर नहीं होने देंगे। और मेरी बाजू पकड़कर मुझे अलग कर दिया अपने शोहर अपने बेटे से, कहा कि आप अपने घर चले मक्का, आपके शोहर को जहाँ जाना है चले जाए। इतने में मेरे ससुराल भी वहां पर पहुंच गए, मायके वालों ने तो मुझे ले लिया, फिर मेरे ससुराल वाले भी पहुंच गए, उन्होंने मायके वालों से कहा आप अपनी बेटी को जहाँ चाहते हो ले जाओ, लेकिन ये सलमा रदी अल्लाह तआला तो हमारे खानदान का बच्चा है, अब बेटे की बारी थी, क्योंकि अबू सलमा रदी अल्लाह तआला तो हिजरत के लिए पक्का इरादा कर चुके थे ये दोनों मियाँ बीवी। मायके वालों ने अहलिया को उठा के वापस ले लिया, अब बेटे को उससे छीन कर ससुराल वालों ने ले लिया।
अब उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अकेले रह गए, इसको कहा ले जा रहे हो, इस तरह उन्होंने मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लिया, हाय अफसोस, अब मेरे शोहर मदीना में और बच्चा ससुराल वालों के पास और मैं अकेली मक्का में मायके वालों के पास। मैं हर रोज सुबह होते ही इस जगह जाती थी जहां पर हम जुदा हुए थे, उम्मे सलमा से जहां से मैं अपने शोहर के साथ जुदा हो गई थी, हम हर सुबह वहां पर जाके वहां पर रोया करती थी और अपना दिल हल्का करती थी, बहुत देर तक बैठा करती थी। इसी तरह पूरा मुसलसल एक साल गुजर गया। एक साल गुजर जाने के बाद मेरे चचेरे भाई को कुछ तरस आया, जब उन्होंने मुझे रोते हुए देखा, मेरे गम को उन्होंने भांप लिया। इसी तरह एक साल मुकम्मल होने के बाद उन्होंने खानदान के लोगों को जमा करके इनसे बात की और एहसास दिलवाया कि मुझ पर रहम आया, तो इसने खानदान के लोगों को जमा करके उन्हें इस बात का एहसास दिलवाया कि इस आजिज पर आखिर कब तक तुम जुल्म करते रहोगे, इस हमारी बहन पर कब तक तुम जुल्म करते रहोगे। इस तरह मेरे मायके वालों ने मुझे अपने शोहर मदीना जाने के लिए मुझे इजाजत दी। बहरहाल इस तरह मायके वालों ने जब इजाजत दे दी, इधर ससुराल वालों को मालूम हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके दिल भी कुछ नरम पड़ गए, क्योंकि एक साल गुजर चुका था, उस एक साल में कितना रोना होगा, कितने जुल्म बर्दाश्त किए होंगे। बहरहाल हर इंसान के पास दिल में अंदर रहम भी होता है, ससुराल वालों को भी रहम आ गया उस पर, उन्होंने अब उसका बच्चा उठा के उसके हवाले कर दिया और कहा कि अब आप अपने शोहर के पास चले जाओ। बहरहाल फिर शोहर के पास चले जाने के लिए कोई साथ तैयार न हुआ वहां जाने के लिए, मदीना जाने के लिए, तो मैंने खुद ऊंट पर अकेले ही 500 किलोमीटर सफर तय करने का ठान लिया। सफर तय करने का इरादा कर लिया, चुनाचे में तनीम नाम की एक जगह जहाँ आज हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला के नाम की मस्जिद है, हुजाजे किराम गए होंगे वहां पर, पहुंच भी गई, यहाँ मुझे उस्मान इब्ने तलहा मिले। उन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था लेकिन बड़े शरीफ़ नफ्स थे। उन्होंने कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा कि मैं अपने शोहर से मुलाकात के लिए जा रही हूँ, मदीना मुनव्वरा में जा रही हूँ, अपने शोहर के पास मदीना जा रही हूँ। उन्होंने कहा साथ और कौन है? मैंने कहा अल्लाह ताला और दूसरा ये बच्चा, इन्हें मुझ पर रहम आया, मेरे ऊँट की लगाम पकड़ कर खुद आगे चल दिए और मुझे साथ साथ चलने लगे। हजरत उस्मान इब्ने तलहा इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो सुलह हुदैबिया के बाद हजरत खालिद रदी अल्लाह तआला, खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला के बाद उन्हीं के साथ मुसलमान हो गए थे। लेकिन हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि मैंने आज तक इतना शरीफ नफ्स और इतना खामोश तबीयत और इतना पाक आदमी नहीं देखा। नजरें झुकाए हुए वो आगे चलते थे और जहाँ ऊँट रोकने की बारी आती थी ऊँट मुझे उतारते थे और खुद ऊँट को साथ लेकर कहीं दूर चले जाते थे, उस वक्त हम आराम कर लेते थे, ऊँट बिठाकर हमें उतारने का इशारा करते और ऊँट के लेकर दूर चले जाते। इसी तरह आराम के साथ हम मदीना मुनव्वरा पहुँचे, कबा के करीब कुछ खेमे लगे हुए थे, उनके लिए इशारा करने लगे कि आपके शोहर यहाँ रहते हैं। अब इब्ने तलहा ने इशारा किया कि आपके शोहर यहीं रहते हैं, अब आप अल्लाह ताला के हवाले चली जाओ। फिर हमें छोड़कर वापस मक्का चले गए। मुझे एक साल के बाद मेरे शोहर हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला मिले। यह खास गौर करने की बात यह कि हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला ने तो अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन सोचो हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला जो बहन भाई माँ बाप सारे रिश्तेदार अपना प्यारा वतन छोड़कर जा रहे थे, इनके शोहर जिस वक्त इनसे इनका बच्चा छीन लिया होगा, जिस वक्त मुशरिकी ने मक्का ने इनसे इनकी अहलिया छीन ली होगी, इनके दिल पर क्या गुजरी होगी? उन्होंने ये एक साल मदीना में कैसे गुजारा होगा? उनके दिल पर क्या गुजरी होगी, क्या बीती होगी? लेकिन तारीख में इनके दुख और गम की कोई बात मुझे ढूंढने के बावजूद नहीं मिल सकती। कि सीरत निगार लिखते हैं कि जब हम ये औराक पढ़ते हैं गम दुख जुल्म सितम के सिवा और कुछ हमें नहीं मिलता, क्योंकि इनके दुखों के मुकाबले में इनको आज़ादी से अपने मालिक की इबादत करना बहुत महबूब था और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में रहने की खुशी इतनी थी कि हर मुश्किल हालात को, हर मुसीबत और हर जुल्म सितम को ये बर्दाश्त करके चले जाते थे। खुशी इतनी थी कि इसके मुकाबले में कोई गम ही न था। अफसोस कभी इस का कुछ एहसास लिखने वाले इस गुनाहगार को और हमारे पढ़ने वालों को भी नसीब हो जाए। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला के सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले सबक में कुछ और सहाबा का जिक्र होगा। वसल्लल्लाहु तआला